झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामेश्वर उरांव के निर्देश पर पूरे प्रदेश में प्रखंड स्तर पर जन सहायता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में धनबाद के झरिया प्रखंड में शिविर लगाया गया, जहां सैकड़ों जरूरतमंदों के आवेदन जमा लिए गए। लोगों ने बताया कि प्रदेश में अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, लोगों की बुनियादी समस्याओं का निदान नहीं हो रहा है, लिहाजा इस जन सहायता शिविर के माध्यम से लोगों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम का चल रहा है आप लोग प्रखंड पर? ये लगातार हम लोग का कार्यक्रम प्रदेश के निर्देशानुसार चल रहा है। हम लोग आम जन समस्या को लेकर के लगातार अपने अंचल कार्यालय में शिविर लगा रहे हैं, और जन समस्या जो अफसरशाही जो लगाम मतलब अफसरशाही जो बढ़ चुकी है, जो रघुवर दास की सरकार रही इसमें अफसरशाही इतनी बढ़ गई थी कि आम जनता के यहाँ लोग सुनते नहीं थे। इसके कारण हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव का निर्देश रहा है कि पूरी झारखंड प्रदेश में सभी अंचल कार्यालय सभी प्रखंड कार्यालय में कांग्रेस जन सहायता शिविर लगाएगी, और इसी के तहत आज हम लोग का ये शिविर का दूसरा दिन है। लगातार हम लोगों ने शिविर लगाया और देखा कि वास्तविकता में कि आम जनमानस की जो कहीं सुनवाई नहीं होती है, चाहे अंचल अधिकारी हो चाहे प्रखंड के कार्यालय के अधिकारी हो, आम जनमानस के यहाँ सुनने वाला कोई नहीं। लगातार हम लोग जब 2 दिनों में बैठ रहे तो सैकड़ों फॉर्म हम लोगों के पास आ चुके हैं, ना किसी का वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दाखिल खारिज, ऐसी तमाम समस्या है जिसपे आम जनमानस के यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। लगातार हम लोगों ने फॉर्म फिलअप लोगों का लिया है और अंचलाधिकारी से हम लोग बात करेंगे कि अविलंब इस पर कार्रवाई करके इसका निष्पादन करें। अगर नहीं होता है तो हम लोग आंदोलन का रास्ता इख्तियार करेंगे, और आम जनमानस को कांग्रेस पार्टी हमेशा तत्पर रही है और तत्पर रहेगी। अपना परिचय दे दीजिए। अशोक मंडवाल, अध्यक्ष झरिया नगर कांग्रेस कमेटी।